हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित उत्तम है और मैंने एसएससी सीजीएल 2016 क्लियर किया है। अभी मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब कर रहा हूँ। तो हम लोग ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे हमने बात की अभी तक सेंट्रॉयड के बारे में। तो हमारे पास कितने तरह के सेंटर होते हैं ट्रायंगल में? सेंट्रॉयड होता है, ठीक है, सेंट्रॉयड। फिर होता है आपके पास इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये चार तरह के हमारे पास सेंटर होते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सेंट्रॉयड के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रॉयड को हम जी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये इस डायग्राम पे एबीसीडी ट्रायंगल में ये हमारी मीडियंस हैं, बी ए डी और सी एफ, ये मीडियंस हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग ए बी बी सी सी ए को हम स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी लेंथ होती है, ठीक है, साइड्स की लेंथ। तो अगर आपको साइड्स की लेंथ पता है, ठीक है, तो आप किस तरह से मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करोगे, उसके लिए फॉर्मूले भी होते हैं। अब हम यहाँ पे मीडियन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेंट्रॉयड में हम लोगों ने बात कही थी कि मीडियन क्या होती है, तो मीडियन की लेंथ के बारे में भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो इसके इसका फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। उसको याद कैसे रखेंगे? अगर हम ए डी की बात करते हैं, ए डी जो ए से ए वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे खींची गई मीडियन है, उसको ए डी की लेंथ क्या होती है? 1/2 अंडर रूट 2b² प्लस 2c² माइनस a², ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हमको याद रखना है कि बी क्या है, बी दूसरी वाली साइड है और सी भी दूसरी वाली साइड है, और ए क्या है, जो जिस पर ये मीडियन है उसकी साइड है। तो माइनस वही वाली होगी जिस पे ये मीडियन है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा? 1/2 अंडर रूट 2b² प्लस 2c² माइनस a², ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इसी तरह से बी की लेंथ क्या होगी? 1/2 अंडर रूट जो दो बची साइड्स हैं उनकी लेंथ का स्क्वायर, तो 2c² प्लस 2a², और फिर जिस पे वो मीडियन है, बी पे मीडियन है, तो माइनस b², ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेंगे हम इस फॉर्मूले को। फिर सी एफ की लेंथ क्या होगी? 1/2 अंडर रूट 2a² प्लस 2b² माइनस c². अब ये फॉर्मूले टाइम पे हमें याद नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिक से अगर चीज़ें याद रखते हैं थोड़ी सी, तो फिर हमें वहाँ पे ये फॉर्मूले याद आ जाएंगे या हम रिकॉल कर लेंगे इसको। इसके बाद एक और रिलेशन होता है जो कि मीडियंस के लिए और उनके जो ट्रायंगल के साइड्स होती हैं उनके बीच में रिलेशन होता है। तो ए बी यहाँ पे साइड है ट्रायंगल की, बी सी साइड है ट्रायंगल की, सी ए साइड है ट्रायंगल की, और ए डी मीडियन है, बी मीडियन है और सी एफ मीडियन है। तो थ्री टाइम्स ए बी, थ्री टाइम ब्रैकेट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू फोर टाइम्स ब्रैकेट ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। क्या मतलब है इसका? कि जो साइड्स के स्क्वायर्स का सम होता है वो थ्री टाइम्स इक्वल होता है फोर टाइम्स मीडियन के स्क्वायर्स के सम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ इसको याद रखने का कन्फ्यूजन कभी हो जाता है कि थ्री की दर होगा फोर की दर होगा, तो सिंपल से याद रखने का तरीका क्या है कि हमेशा मीडियन की लेंथ जो होगी वो साइड की लेंथ से छोटी होगी। ये चीज़ आपको समझ आती है, क्योंकि साइड बाहर बनी होती है और मीडियन उसके ट्रायंगल के अंदर बना होता है। तो मीडियन ऑब्वियसली साइड के या तो बराबर, मैक्सिमम अगर कोई भी अंदर वाली चीज़ उसके साइड के बराबर हो सकती है, उससे छोटी ही रहेगी। तो ये समझ में आता है कि मीडियन हमेशा छोटी रहेंगी। तो मीडियंस के स्क्वायर के सम में ज़्यादा बड़ी वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो साइड्स के रेशियो के साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर आ पाएगी। तो सिंपल सा साइड का जो सम, साइड का स्क्वायर का सम जो है वो बड़ा होगा और मीडियन के स्क्वायर का सम हमेशा छोटा होगा। इसलिए दोनों को अगर बराबर करना है तो बड़ी वाली चीज़ को मीडियन में मल्टीप्लाई करेंगे और छोटी वाली चीज़ को साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, ठीक है। मेनली देखो प्रॉब्लम यही होती है कि लोगों को फॉर्मूले टाइम पे याद नहीं आते हैं, और फिर वहाँ पे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फॉर्मूला डिराइव कर लें या कुछ कर लें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि किसी चीज़ से रिलेट करके फॉर्मूले को याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मीडियन के फॉर्मूले को हम थोड़ा सा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू 4/3 ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा 3 को वहाँ पे अपॉन में ले गए तो 4/3 स्क्वायर, बस वही चीज़ याद रखनी है जो हमने बात करी है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास क्या होता है कि मीडियन की लेंथ पता होती है, जैसे कि मीडियन की लेंथ 3, 4, 5 कुछ भी नंबर मैंने ले लिया है ऐसे ही, तो मीडियन की लेंथ आपको पता होती है और बोलता है कि आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसकी ये मीडियन है,
तो यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया तो आप तब निकाल पाओगे जब आपको साइड का लेंथ पता हो, मीडियन का लेंथ नहीं। जब तक साइड का लेंथ नहीं पता होगा तब तक आप ट्रायंगल का एरिया नॉर्मली तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हमें साइड का लेंथ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा, जो कि सिंपल मीडियन की लेंथ से भी हम आपका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें करना ये होता है कि जो मीडियन हमें दी हुई है उनको एज ए साइड एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो मीडियन दी हुई थी हम उनको एज ए साइड एज्यूम कर लिया। फिर इसके बाद जैसे कि 3, 4, 5 हमारी मीडियन दी हुई थी तो हमने उनको साइड एज्यूम कर लिया, तो ए की वैल्यू 3 ले ली, बी की वैल्यू 4 ले ली, सी की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है। तो यहाँ ट्रिपलेट का थोड़ा सा ध्यान मत देना, ये नॉर्मल रैंडम नंबर लिए हैं मैंने। तो अब कभी का साइड जो डिफरेंट होती है तो उसके लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, एस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है जब स्केलिन ट्रायंगल होता है, जब साइड्स बराबर नहीं होती हैं तो यही फॉर्मूला यूज होता है। एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होती है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो एक एरिया आ जाएगा। अब वो एरिया कौन सा होगा, हमने जो साइड एज्यूम करी है, मीडियन को एज ए साइड एज्यूम कर लिया है उसका एरिया होगा। अब उस एरिया, वो तो हमारे एक्चुअल ट्रायंगल का एरिया नहीं होगा, वो तो हमने एज्यूम किया है मीडियन को साइड की तरह, ठीक है। तो जो भी एरिया आता है हमारा वो कैलकुलेट होके इस एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट से, उसमें हम क्या करेंगे फिर से वही 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने मीडियन को यूज करके एरिया निकाला है, तो अगर हमको ट्रायंगल एबीसी का एरिया चाहिए तो हमें 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला होता है। और 4/3 का टर्म हम पहले भी फॉर्मूले में देख चुके हैं, तो ये 4/3 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमें और आसानी होगी यहाँ पे याद रखने में। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू 4/3 एरिया फॉर्म्ड बाई टेकिंग मीडियन एज साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका वही चीज बोल रहा है ये फॉर्मूला भी, कि मीडियंस को साइड मान लेते हैं फिर एक एरिया निकालते हैं और उसमें 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एक्चुअल एरिया आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सेंटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन सेंटर सबसे पहले याद करना है हमें कि इन सेंटर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब जो भी एंगल हैं उनके बाइसेक्टर हैं। तो यहाँ पे ये एंगल को अगर हमें बताना होगा तो कितना होगा, पी बाई टू हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये एंगल को ड्रॉ करना होगा तो ये क्या होगा, बी बाई टू हो जाएगा। मतलब सारे बाइसेक्टर हैं तो हाफ हाफ कर देंगे, यहाँ पे ए बाई टू हो जाएगा, ये वाला भी एंगल ए बाई टू हो जाएगा, और ये वाला एंगल सी बाई टू हो जाएगा, और ये वाला एंगल सी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। हाफ हाफ में सब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई इतनी। अब क्या होता है कि हमने ट्रेंगल में पढ़ा है कि जो भी इन सेंटर होता है, ठीक है, इन सेंटर होता है वो क्या करता है, सामने वाला एंगल जैसे कि ये हमारा ए आई बी, ये बड़ा एंगल है, ठीक है, बी आई सी, बी आई सी ये बड़ा एंगल है, एंगल बी आई सी, इसके बारे में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ये क्या होता है, 90 प्लस जो पीछे उसका एंगल होता है उसका हाफ, तो ए बाई टू, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 90 प्लस ए बाई टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस ए बाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने प्रूव भी किया हुआ है कहाँ पे, ट्रायंगल में, आप वहां से इसको देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो ये एक फॉर्मूला है जो याद रखते हैं, यहाँ पे भी प्रूफ कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, बट टाइम फालतू में वेस्ट होगा क्योंकि वहाँ पे हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। फिर इसी तरह से सी के सामने वाला जो एंगल होगा बड़ा वाला, वो क्या होगा, ये बड़ा वाला एंगल होगा, ठीक है, इसको दो लाइन से हमने दिखाया है। तो ये बड़ा एंगल क्या होगा, 90 प्लस सी बाई टू। इसी तरह से इधर हम, ये दूसरा एंगल हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, 90 प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ये डायरेक्टली ऐसे पूछ ली जाती हैं सवालों में, और अगर डायरेक्ट हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम इन सेंटर की प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम इनसे आंसर तुरंत दे सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती थी, कि जो बाइसेक्टर होता है ट्रायंगल का वो सामने वाली साइड को किस रेशियो में, बची हुई दो साइड की रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई ट्रायंगल एबीसी लिया जाता है तो ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये तो हमेशा ही करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, बात है बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है कि सामने वाली साइड का रेशियो जो डिवाइड करता है, तो सामने वाली साइड में डिवाइड कैसे कर रहा है, बी डी इज टू डी सी, ठीक है, ये दो भाग में डिवाइड कर रहा है, तो इनका रेशियो किसके बराबर होगा, जो बची जो दो साइड है उनके रेशियो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी
अपॉन बीडी की साइड की तरफ की साइड क्या है, ए बी है और इधर की साइड की ए सी है, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। ए बी को हम स्मॉल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ए सी को हम स्मॉल बी भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया बी के सामने वाली क्या है, ए सी है, और ए सी को हम बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से बी डी अपॉन डी सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी बाई बी, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, आपके बी डी को, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे, इसको बी डी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर या तो इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, तो बी डी प्लस डी सी कर लेते हैं, और नीचे क्या करेंगे हम डी सी ही रख लेंगे। इसके बाद इसको सामने भी वही चीज होगी, तो सी प्लस बी अपॉन बी बचेगा, ठीक है। अब बी डी प्लस डी सी क्या होता है, ये पूरा बी सी हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू स्मॉल ए होती है, ठीक है, और यहाँ पे डी सी रखा हुआ है, और सी प्लस बी अपॉन बी, तो यहाँ से डी सी की वैल्यू आ जाती है ए बी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। तो इसका कैसे फॉर्मूला आया, अब इसको फॉर्मूले की तरह हम याद कर लेंगे कि जो बी डी होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, बी डी इसी तरह से कैलकुलेट अगर करें तो बी डी की वैल्यू आ जाएगी ए सी अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, सॉरी ए सी अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस सी नीचे आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, वो कैसे याद रखेंगे, डी सी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली, ए बी अपॉन बी प्लस सी, बी प्लस सी दोनों में आएगा, मतलब अगर हम सामने वाली ए वाली साइड के टुकड़ों की बात कर रहे हैं, ये ए वाली साइड के टुकड़े हैं तो इनकी बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, नीचे ए नहीं आएगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी बाकी दो साइड का सम आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, अगर जो सी के साइड का पार्ट है उसमें सी आएगा, और जो बी के साइड का पार्ट है उसमें बी आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें ए सी, ए तो आएगा ही क्योंकि ए साइड का हम डिवीजन कर रहे हैं, तो ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए बी अपॉन बी प्लस सी, इस तरह से हम याद कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इस सामने वाली को इसी फॉर्मूले में कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, तो हम ऐसे याद करने के प्रैक्टिस करते हैं। ए ई की बात करें, ए ई, ठीक है, ए ई की वैल्यू कितनी होगी, तो पहले हम तो बी को, बी वाली साइड को डिवाइड कर रहे हैं, उसका पार्ट है तो बी तो लिखेंगे, ठीक है। अब ए ई किस साइड का है, सी साइड का है, तो सी लिख देंगे, ठीक है, और बाकी दो बची साइड है बी को छोड़ के, सी प्लस ए, तो सी प्लस ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो ये चीज है याद रखने का तरीका है इसको, ठीक है। और ये 90+a/2 कैसे होता है, उसका भी प्रूफ है कि ये ट्रायंगल ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे बी आई सी, बी आई सी ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये b/2, ये c/2 है, 180 में माइनस करेंगे तो 90+a/2 अपने पास अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई इन सेंटर की। इन सेंटर में आपके पास अभी एक सर्किल दिया हुआ है, ये सर्किल क्या करता है, टच करता है अंदर ही अंदर ट्रायंगल को, ठीक है। तो जहाँ पे टच करता है वो क्या हो गई, टेंजेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। कोई भी सर्किल को अगर एक लाइन टच करती है तो वो टेंजेंट हो जाती है, तो यहाँ पे वो लाइन किसकी साइड है, ये आपके ट्रायंगल की साइड है, तो ये पॉइंट हो गया आपका टच पॉइंट, ठीक है, उसको टेंजेंट, टेंजेंशियल पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो अगर उस पर हम सीधे लाइन मिलाएं सेंटर से, तो वो हमेशा लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हमेशा होती है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी आपके इस सर्किल की। तो इस रेडियस का एक फॉर्मूला होता है कि रेडियस को कभी कैलकुलेट करना होता है तो वो क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा किस, डेल्टा को एरिया को डेल्टा कहते हैं, ठीक है, डेल्टा एरिया को कहते हैं, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, ये साइड का सम होता है, और सेमी कर दिया उसके बटे दो कर दिया, तो सेमी पेरीमीटर आ गई। तो बस आपको अगर रेडियस इन रेडियस पता करनी है तो आपको ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फिर उनका रेशियो आपका इन रेडियस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में नॉर्मली क्या होता है कि एरिया पता होता है, सेमी पेरीमीटर और इन रेडियस पूछा जाता है, तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, सेमी पेरीमीटर भी पूछी जा सकती है, या फिर एरिया पूछा जा सकता है, और आर और एस की वैल्यू दी होती है, तो हमें ये तीनों चीज़ें दिमाग में रखनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर पूछा गया तभी ये फॉर्मूला याद है, कभी डेल्टा पूछा गया और उस क्वेश्चन में आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजिली, तो
तो फिर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करके दूसरे चीज़ें निकाल लोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी यूज होता है और काफ़ी क्वेश्चंस में हम इसको यूज करते हैं।